आप लोगों ने बहुत से महामारियों के बारे में सुने होंगे, 1895 में थर्ड प्लेग, 1918 में स्पेनिश फ्लू, या हाल ही की घटना 2019 में कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में। लेकिन क्या आपने कभी डांसिंग प्लेग के बारे में सुना है? ये एक तरह का महामारी था जिसमें कई कई हफ्ते तक लोग डांस करते रहते थे। 1518 का डांसिंग प्लेग या नृत्य महामारी नृत्य उन्माद का प्रकोप था, जो जुलाई 1518 से सितंबर 1518 तक स्टारबर्ग अल्सेसस रोमन साम्राज्य में हुआ था, जो आज का फ्रांस है। इस महामारी में कहीं कहीं 1500 से 1400 लोग हफ्ते भर डांस करते रहते थे, और डांस करने के दौरान उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। इस महामारी का पहला केस जुलाई 1518 में सामने आया था, जब स्टारबर्ग की गली में एक महिला ने अचानक से जोश के साथ नाचना शुरू कर दिया था। चिकित्सक नोट्स, कैथेड्रल उपदेश, स्थानीय और क्षेत्रीय इतिहास, और यहाँ तक कि स्टारबर्ग नगर परिषद द्वारा जारी किए गए नोट्स सहित ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये बात स्पष्ट है कि इस महामारी से पीड़ित लोगों ने डांस किया, लेकिन क्यों इस बात का कोई पता नहीं चल पाया। ऐतिहासिक स्रोत इस बात से सहमत है कि एक अकेली महिला के डांस करने के बाद डांस का ये प्रकोप शुरू हुआ था, और डांस का यह सिलसिला अंत होता नहीं दिख रहा था। यह इतने लंबे समय तक चला था कि इसने स्टारबर्ग मजिस्ट्रेट और प्रशासन का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया, और डॉक्टरों को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था, और पीड़ितों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। माना जाता है कि 11 शताब्दी सहित सैक्सोनी कोलबर्ग के पूरे मध्य युग में इस तरह की घटनाएं घटी थी, जहाँ देव देवी और भूत प्रेत के कब्जे को ऐसा करने का कारण माना करते थे। लेकिन इस बात पर वितर्क अभी भी मौजूद है कि लोग तब तक डांस कर रहे थे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई थी। कुछ स्रोतों का दावा है कि एक अवधि तक प्लेग ने प्रतिदिन लगभग 15 लोगों की जान ली थी, लेकिन घटनाओं के समय स्टारबर्ग शहर के दस्तावेजों में मौतों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था, यहाँ तक कि अगर मौत भी हुई होगी फिर भी इस मृत्यु आंकड़ों का कोई भी समसामयिक दस्तावेज मौजूद नहीं है जो इस बात की पुष्टि करता हो कि इस महामारी में आखिरकार कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, या मृत्यु हुई भी थी या नहीं। लेकिन इस दावों का मुख्य स्रोत है जॉन व्हीलर, जिन्होंने इस विषय पर कई सारे जनरल लेख लिखे हैं और कई सारे पुस्तकें भी लिखे हैं। ए टाइम टू डांस, ए टाइम टू डाई, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। सबसे पहले डांस करने वाले और डांस करने वाले की संख्या में अभी भी अनिश्चितता है। अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग संख्या मौजूद है, 50 से लेकर 400 तक। ये तो थी महामारी के बारे में जानकारी। अब जानते हैं डॉक्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। 15वीं शताब्दी में अपुलिया इटली में एक महिला को एक टेरेंटुआ ने काट लिया था, जिसके बीच ने उसे कांपते हुए डांस करवाया था, बिल्कुल डांसिंग प्लेग की तरह। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह डांस एर्गोट फंगस या एर्गोटिज्म के जहरीले और मोनोसक्रिय रासायनिक उत्पादों के कारण होने वाले फूड पॉइजनिंग इसका कारण हो सकता है, जो आमतौर पर रोटी बनाने का अनाज जैसे राई पर उगता है। एर्गोटामाइन एर्गोट फंगस का मुख्य मोनोसक्रिय उत्पाद है। यह संरचनात्मक रूप से दवा लेसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड या LSD-25 से संबंधित है, और ये वह पदार्थ है जिसे LSD मूल रूप से संश्लेषित किया गया था। इसी फंगस को अन्य प्रमुख ऐतिहासिक विसंगतियों में शामिल भी किया गया है, जिसमें सलेम बीच ट्रायल भी शामिल है। लेकिन इसमें भी एक तर्क है। द लेटेस्ट में जॉन व्हीलर का तर्क है कि यह सिद्धांत तर्क संगत नहीं लगता, क्योंकि यह संभावना ही नहीं है कि एगर जहर एक समय में कई दिनों तक लोगों को डांस करवा सकता है, और न ही इतने सारे लोगों ने इसके मोनोसक्रिय रसायनों पर उसी तरह प्रतिक्रिया की होगी। एर्गोटिज्म सिद्धांत यह भी समझाने में विफल रहा है कि लगभग हर प्रकोप राइन और मोसेली नदियों के साथ साथ विभिन्न जलवायु और फसलों से जुड़े जलाशय में ही क्यों हुआ। यह मास हिस्टीरिया या मास साइकोजेनिक बीमारी से होने वाले साइकोजेनिक मूवमेंट डिसऑर्डर का एक उदाहरण हो सकता है, जिसमें कई व्यक्ति अचानक एक ही विचित्र व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, और व्यवहार तेजी से और व्यापक रूप से एक महामारी पैटर्न में फैल सकता है। इस तरह की बेचैनी मनोवैज्ञानिक तनाव के उच्च स्तर के कारण हो सकता है। व्हीलर ने अनुमान लगाया कि डांस एक सामूहिक स्तर पर तनाव पीड़ित मनोविकृति था, क्योंकि जिस क्षेत्र में लोग नृत्य करते थे वह भुखमरी और बीमारी से ग्रस्त था, और निवासी अंधविश्वासी थे। महाकालीन युग के दौरान इसी क्षेत्र में डांसिंग प्लेग के साथ अन्य मामले दर्ज किए गए थे। यह मनोवैज्ञानिक बीमारी एक चोड़िया बना सकती है। चोड़िया ग्रीक शब्द खोड़िया से लिया गया है, जिसका अर्थ है डांस करना।
एक ऐसी स्थिति जिसमें जटिल अनिच्छिक गतिविधियां और आंदोलन शामिल होती है जो शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में प्रभावित होती है। मध्ययुग के विभिन्न डांस, सेंट बीट्स का डांस, सेंट जॉन का डांस की पहचान नित्य उन्माद के स्वतंत्र महामारियों के संदर्भ के रूप में की गई थी, जो कि मध्य यूरोप में विशेष रूप से प्लेग के दौरान हुई थी।